गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौधरी आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ, देखिए फिर आज से आज आपसे फिर वार्ता करने के लिए। वार्ता का थंबनेल शीर्षक बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए ये मेरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से भी देख सकते हैं और नाम राशि से भी देख सकते हैं। और देखिए अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और देखिए कमेंट में कुछ लिखना चाहे लिखें, नहीं लिखना चाहते तो महा गणेशाय नमः लिख करके भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर पाएं। तो मित्रों मैं अभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ कि बकरी बृहस्पति किस किस राशि को लाभान्वित कर रहे हैं, धन लुटा रहे हैं, अपना प्यार लुटा रहे हैं, अपना आशीर्वाद लुटा रहे हैं, तो वो कौन सी राशियां हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए अब मैं चर्चा करूंगा एक राशि जो कि मंगल की राशि है और मंगल की अपनी राशि यानी आठवीं नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि। तो अब मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगा कि मंगल बृहस्पति के अच्छे संबंध हैं। मंगल की राशि, मंगल वैसे भी सेनापति हैं, ग्रहों के वर्तमान साल के राजा भी हैं और बृहस्पति गुरु हैं, तो गुरुदेव का बृहस्पति का मंगल का अच्छा संबंध है। तो मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि के लिए मैं बताऊं कि बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं। मंगल की राशि का मतलब आठवीं राशि, आठवीं राशि का मतलब जहाँ शुक्र आएंगे 13 अक्टूबर को और शुक्र का आमने सामना होगा सप्तम दृष्टि से बृहस्पति से, तो बृहस्पति बैठे हुए हैं सातवें भाव में, दाम्पत्य जीवन को मजबूत कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रेम भर रहे हैं, संतान को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर देखिए संतान नहीं है तो संतान हो सकती है, कोई प्रेम चल रहा है तो प्रेम में प्रगाढ़ता आ सकती है और प्रेम जो है प्रेम विवाह बदल सकता है, तो शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम पर, तो शुक्र की कृपा से और बृहस्पति की कृपा से बहुत शानदार टाइम चल रहा है आपका दाम्पत्य जीवन का, प्रेम प्रसंग होगा और व्यापार में बड़ी सपोर्ट मिल रही है, आपके व्यापार के पार्टनर्स आपको अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए आठ नंबर की राशि देखिए, वृश्चिक के लिए वृषभ राशि नंबर दो राशि सप्तम भाव में है और जब बकरी है तो मेष राशि जो कि छठे भाव में उसको भी सपोर्ट करेगी, यानी आपको वृश्चिक राशि वालों को नई नौकरी, नया वेतन मान, तनख्वाह में उन्नति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और देखिए कोर्ट कचहरी में सफलता, शत्रु आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो बृहस्पति की देखिए और बृहस्पति की जो देखिए राशियां है ना बृहस्पति की जो हमने यानी मीन राशि और क्या कहते हैं धनु राशि, तो राशियों को देखें आप बृहस्पति की राशियां जो है पांचवें भाव में और दूसरे भाव में, तो पांचवा भाव संतान का भाव 8, 9, 10, 11, 12, 1 यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि देखिए, वृश्चिक राशि तो लग्न में होगी और आप देखिए तो वृश्चिक राशि के लिए यानी बृहस्पति की राशि मीन राशि जो है और बृहस्पति की जो है राशि धनु राशि वो कहाँ होगी भाई, तो नवी राशि तो धन भाव में आ जाएगी जब आठवीं राशि पहले भाव में है, तो दूसरे भाव में धन भाव में धनु राशि आ गई और पांचवें भाव में संतान के भाव में मीन राशि आ गई। तो वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति की दोनों राशियां मीन राशि संतान के भाव से तरक्की दिला रही है, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में और मनोरथ पूरे हो रहे हैं आपके का
और देखिए नंबर दो पर जो धनवा पर बैठी हुई है आपकी जो धनु राशि वो भी धन दिला रही है। तो मैं समझता हूँ बृहस्पति की दोनों राशियां, बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं, बृहस्पति खुद बैठे हुए हैं सातवें भाव में, और सातवें भाव से दसवीं पड़ रही है पहले भाव पर वृश्चिक राशि के लिए। पहले भाव में मतलब जो है आठवीं राशि है जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है और बक बृहस्पति बहुत बली बृहस्पति है, बृहस्पति की राशियां पांचवें और दूसरे भाव में बैठी हुई है, ये सारे बानक बन रहे हैं। बृहस्पति के बली होना, बृहस्पति की राशियों का अच्छे भाव में बैठना और बृहस्पति का शुक्र का संबंध बनना सातवां, ये सब के सब वृश्चिक राशि को, मंगल की राशि है उसको अच्छा खासा सपोर्ट दिला रहे हैं, धन दिला रहे हैं। लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र बैठे हैं लग्न में, तो जातक का शरीर बड़ा मनमोहक, चेहरा मोरा सुंदर आकर्षक, पर्सनालिटी बड़ी गजब की, और संतान के लाभ, और देखिए दाम्पत्य जीवन में लाभ, प्रेम प्रसंगों में लाभ, धन का आगमन, यानी क्या नहीं है जो कि मंगल की राशि नहीं पा रही है। तो वृश्चिक राशि में देखिए वृश्चिक राशि को खास तौर से बृहस्पति की विशेष कृपा मिल रही है, यानी बृहस्पति जो है अंधाधुंध सफलता दिला रहे हैं, यानी धन भाव में राशि खुद बैठी है, धन राशि बृहस्पति की तो धन दे रहे हैं। और शुक्र का बृहस्पति का जो संबंध है सप्तम, ये बहुत गजब का है, पहले भाव में सातवें भाव में दोनों ही शरीर लग्न में और दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया। तो मित्रों मैं समझता हूँ महाबली बकरी बृहस्पति की कृपा से वृश्चिक राशि भी अच्छा धन पाएगी, वृश्चिक राशि भी अच्छा सपोर्ट पाएगी, वृश्चिक राशि को तरक्की मिलेगी सब तरह से, व्यापार में, नौकरी में, सब में। तो वृश्चिक राशि भी किसी तरह से पीछे नहीं है। तो मित्रों अभी देखिए मैं यहाँ विराम देता हूँ, अगली बार आऊँगा तब बाकी जो राशियाँ हैं जिनको के श्रेष्ठ लाभ मिल रहा है उनकी चर्चा अवश्य करूँगा। तो मित्रों नमस्कार।